What's up guys and welcome back to another vlog. तो यार आज मैं ना मेरा ड्रॉयर साफ कर रहा था और ड्रॉयर साफ करते करते मुझे ना मेरा एक बहुत ही पुराना हार्ड डिस्क मिला. अभी बहुत पुराना ऐसे मेरा मतलब ऐसा नहीं कि 50 साल पुराना हार्ड डिस्क था, वो कुछ आई थिंक 2-3 साल पुराना हार्ड डिस्क है. और वो हार्ड डिस्क में मुझे क्या मिला? Konnichiwa everybody, मेरा नाम है रॉनी एंड आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. 2020 में और मचाएंगे सब मिलके. ओह शिट, मेरे को लगा था कि ये वाला फुटेज मेरे पास नहीं है, मैंने शायद इसको डिलीट कर दिया. तो अगर तुम लोगों को पता नहीं, मैं तुम लोगों को बता दूं, आज से 3 साल पहले मैं पेरिस गया था दिसंबर के टाइम में. बिल्कुल यही टाइम में आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले मैं पेरिस में था और वहां पे मैं गया था डिज्नीलैंड में. तो जब मैं डिज्नीलैंड गया था, मैंने वहां पे डिज्नीलैंड में एक मस्त सा व्लॉग बनाया था और मुझे लगा कि जो व्लॉग के सारे फाइल्स गुम गए. बट नहीं गाइस, मुझे ये आज फाइनली मिल गया है, जिसका मतलब आज तुम लोग को देखने मिलने वाला है डिज्नीलैंड पेरिस में मैंने क्या किया था. और रिमेम्बर गाइस, ये वाला व्लॉग आज से 3 साल पहले शूट हुआ था, तो ये व्लॉग बहुत ज्यादा पुराना है. सो एंजॉय. जरा आंटी आराम से चलाओ, बहुत उछल रहा है गाड़ी. ठीक है, ये पेरिस में खड्डे पहली बार देख रहा हूँ. तो बच्चा पार्टी सुप्रभात और तुम सभी का स्वागत है एक और पेरिस दर्शन में. रोशनी नहीं आ रही क्या? देखो सुबह के 8 बज रहे, मैं उम्मीद करता हूँ 8 बजे तक सूरज निकल जाना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसे नहीं चलता. ठीक है, यहाँ ऐसे काम नहीं होता. ठीक है, लाइट मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो जब मैं फिर से एक और बार पेरिस आया, बहुत लोग ने मुझे बोला कि भाई पेरिस दर्शन फिर से करो, एंड इट मेक जीरो सेंस कि मैं फिर से वही सेम जगह तुमको घुमा के सेम चीजें दिखाऊं. तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं. तो अलग में क्या कर सकते हम लोग, मैं बहुत देर तक सोचा और बहुत देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक बुद्धिया एक आइडिया है और मैंने सोचा क्यों ना हम चले डिज्नीलैंड. तो फाइनली हम लोग बहुत देर सफर करने के बाद आकर पहुंचे हैं डिज्नीलैंड में. ये सामने का कुछ नहीं है, बस सस्ता दुबई है. वो दुबई का जो फाउंटेन होता है सस्ता वाला है, कुछ नहीं है, सेम चीज है. भाई ये घोड़ा क्या खाता है बे? क्या खाता है ये घोड़ा? अच्छा, अंदर कुछ लोग बैठे थे. तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो यार? वो देखो डिज्नी वाला किला, यही देखने लोग दूर दूर से आते हैं, हम भी यही देखने आए, हमें भी यही किला देखना है. भाई ये अलग चौड़े यार, फ्रांस में आके यूएस के झंडे लगा दिए, अलग चौड़े भाई यार. तो एनीवेज, रास्ते के एकदम एंड में है वो डिज्नी वाला बड़ा किला, देखते हैं किले में क्या है, अंदर जाने मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं मेरे को, देखते हैं. अगला हम एक ऐसे दुकान में आए हैं जहाँ पे बहुत ही महंगी महंगी चीजें मिलती है. और ये मैं क्या जगह आ गया भाई, ये कौन सा डिज्नी प्रिंसेस, मैं किधर घुस गया भाई, मैं गलत जगह आ चुका हूँ मैं. भाई किधर जाऊ रे बाबा, जिधर जा रहा हूँ ये लड़की वाले कपड़े दिख रहे हैं, इधर भी यार ये पुतले वितले बिक रहे हैं भाई. अरे इसकी माँ का मजा, ये क्या है? ये मालूम है किस काम आता है, जब ये शेरू टट्टी करता है तो उसको ऐसे उठा के बाहर फेंक देने का. और ये तो भाई कुछ और ही लग रहा है, मैं हाथ नहीं लगा रहा उसमें. नहीं नहीं, निकल जाओ. ये मुझे क्या दिख गया यार, ये मेरे साइज का नहीं है तो पक्का, ये अगर मेरे साइज में आता ना पक्का उठाए घर ले जाता मैं. ओ भाई ये क्या है, आवाजें भी करता है ये तो. क्या इसका कुछ निकलता है, पंजा विंजा? अच्छा ये तो पंजे इसके. यार मुझे ये लेना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे सब लेना है. वैसा अगर मैं ये लेके जाऊँ तो भाई बवाल मच जाएगी, मेरे इलाके में बवाल मच जाएगा, सबको फेंक फेंक के मारेगा. वैसे ये करता क्या है, क्या ये कुछ आग भी फेंकता है क्या? आयरन मैन रिपल्सर ग्लव्स, ओ तेरी क्या घूम रही है ये. भाई मेरे को इस सब में नहीं बैठना है भाई, ठीक है? मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे को ये देखना है, मेरे को इसके फटाके से रात को देखने, बस और कुछ नहीं करना मेरे को, ठीक है? बस यही काम है मेरा. तो ये है किले के अंदर किताबें. तो किले से अभी हमको एकदम नजारा दिख रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम इस किले का राजा है. मुझे पता नहीं यहाँ पे आना अलाउड है कि नहीं, पर फिर भी आ जाएंगे. वो आपको दिख रहा है? हाँ, वो तलवार जो है वो निकलने नहीं वाला, ठीक है? वो तुमको दिख रहा है, वो बालक जो कोशिश कर रहा है वो चीज बाहर नहीं आने वाली, कोई भी कर ले, शक्तिमान भी कर ले तो ये बाहर नहीं आने वाली, कॉज वो तलवार नहीं है भाई. चलो ना मुझे जाके ट्राई करना है, अगर मैं उसको पूरे जोर से एकदम पूरा जय बजरंग बली बोले खींच दूं तो शायद से बाहर आ जाएगा. ट्राई करते चलो भाई. यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रहे, क्या तुम लोग वो सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ? तू क्या देखता है भाई, निकल यहाँ से. मैं बता रहा हूँ भाई शपथ, ये अगर अभी उठ के मेरे को डराया ना, माँ कसम ये खंबा उखाड़ के उसके उधर से घुसर दूंगा ऊपर पूरा मैं. डराने का नहीं रे. इस पूरे इलाके में जितनी भी लड़कियां है ना, सबके टकले में तुमको ना वो मिक्की माउस का जो था ना, मिनी माउस का तुमको वो दिखेगा. मतलब मालूम नहीं क्या शौक है उन लोगों को पहन के, क्या मजा आता है, पर यहाँ पे आके लोग एक्चुअली 16-17 यूरो का खरीद रहे और वो सर पे महंगे घूम रहे.
बड़ी अमीरी है। गाइस ये वाला व्लॉग इतना पुराना है कि व्लॉग देख के मेरे को लग रहा है कितना जमाना बीत गया। ऐसा लग रहा है पिछले जन्म का वीडियो देख रहा हूँ मैं बैठ के अभी। और गाइस अगर मैं एक्चुअली बताऊँ तो मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स पड़े जो व्लॉग्स मैंने रिकॉर्ड किया और इन व्लॉग्स को मैंने कभी अपलोड ही नहीं किया। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सारे पुराने व्लॉग्स को भी अपलोड करूँ हमारे इस व्लॉग वाले चैनल पे तो मेरे को कमेंट करके बताओ। ऐसे बहुत सारे व्लॉग है। आई थिंक एक दुबई का व्लॉग मेरे पास पड़ा है जो मैं रिकॉर्ड किया था मैंने कभी अपलोड नहीं किया तो वो वाला भी डाल सकते हैं। और मेरे पास एक व्लॉग है मेरे रूम के रेनोवेशन का कि मेरे रूम का रेनोवेशन लिटरली पूरा जो रूम है पूरे रूम को ऐसा बदला था लिटरली दो दिन के अंदर वो कैसे हुआ था तो मैंने उसको भी कभी अपलोड नहीं किया। तो ये सब कुछ पड़ा है। अगर कोई चाहते हो सारे व्लॉग्स देखना तो मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ गाइस अभी कमेंट कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और नीचे ना ऐसा एक सफेद रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको जाके जल्दी से दबा दो। ओके भाई लोग अभी समय आ चुका है तलवार उखाड़ने का। तो भाई लोग अभी तुमको हम दिखाने वाले प्रदर्शन एकदम शक्तिमान बाहुबली का। तो आइए इसको बाहर उखाड़ दे। कोनिच्चिवा। वो अटक गया है वो निकल नहीं रहा है। निकल जाता पर वो कुछ तो नीचे लोचा होकर अटक गया हो। ठीक है तो हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। देखो मैं अगर उसको निकाल दूं तो आ जाइए आप जाइए टेंशन नहीं। मैं अगर उसको निकाल दिया तो मजा क्या खराब हो जाएगा कि बाकी ये बच्चा जो आ रहा है बच्चे लोग मजे नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं उसको निकालेगा नहीं। मैं इन लोग को निकालने देगा। चलो तो तलवार के शौक के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मिलने मिक्की दादा के साथ। साले का ना कान खींचेगा मजा आएगा मेरे को बहुत ज्यादा। मतलब भाई सबसे पहले तुम ये लाइन देखो ठीक है इतने सारे लोग खड़े उससे मिलने के लिए और इन सब के बाद तुम इन लोगों के शौक देखो। तो पीछे वो कमरे के अंदर एक बुढ़ऊ सर पे टोपी पहन के मिक्की माउस बन के बैठा है और यहाँ पे इतने सारे लोग लाइन लगाए उसको देखने के लिए। मेरे को अभी से क्रिंज मिल रहा है पर मैं कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि अभी मैं खुद भी लाइन में लग रहा हूँ क्योंकि मुझे जाकर देखना है और जानना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या है अंदर हलवे बट रहे अंदर क्या हो रहा है चलो देखते। तो एक लाइन पार करने के बाद हम और अंदर आ चुके हैं। कतई शिरडी वाली फीलिंग आ रही मेरे को इधर। इसके बाद और लाइन में जाने का है। भाई हो क्या रहा है भाई हमारे देश में भगवान के दर्शन करने की लाइन लगाते हैं ऐसे। यहाँ देखो भाई मिक्की माउस के दर्शन की लाइन लगाए जा रहे हैं भाई। मतलब अलग ही शौक है लोगों के तो मैं भी जा रहा हूँ क्या फर्क पड़ता है। पैसा भरा है देखने आगे। देखो एक बार अगर फुकड़ में मैं आ रहा था मैं बोलता भाड़ में गया मिक्की माउस बट पैसा भरा है तो देखने का। भाई लाइन कतार देख रहे हो कतार देख रहे हो मेरे को सीढ़ी वाली यादें आ रही। और इस सेंटा क्लॉस का बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर। भाई लोग यहाँ पे खड़े खड़े आधा घंटा हो चुका है और इतना लाइन तो मंदिर में लगता नहीं हमारे यहाँ पे यार। मुझे अभी सच में जाके देखना है कौन है ये मिक्की माउस। अमीन मैं जानता हूँ ये कौन है पर वो पीछे कौन सज के बैठा है। कम से कम 45 मिनट खड़े थे हम लोग और इतने देर रुकने के बाद फिर से रुकना पड़ेगा तो इसके लिए हम एक घंटा लाइन में रुके फिर टकले के लिए। तो हम आपके लिए रुके थे इतने घंटों तक। कोनिच्चिवा। अगला हम लोग चूहा देखने के बाद भूल भुलैया घूमने वाले हैं। पर ये क्या है भाई इसकी आँख कैसे हिल रहे। देखो एक जमाना होता था इस सब के तुम अंदर घुस जाओ फिर तुम्हारा बाप भी बाहर नहीं आ सकता। अभी का जमाना है गूगल मैप का। गुम हो गया सीधा मैप खोलने का ऊपर से देखने का बराबर बाहर आएगा। कुछ है भी नहीं। घूमते रहो घुसते रहो घुसते रहो बाहर में घूमते रहो मैं घुस रहा है। अरे हट एग्जिट है हट हट फुट निकल इसकी मैं मेरे को नहीं जाना है। इधर क्या है इधर क्या है इधर कुछ अलग ही है। ये क्या है बे जाना किधर है मेरे को अभी। देखो भाई लोग मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं गूगल मैप्स नहीं खोल रहा हूँ मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं एकदम नॉर्मली रास्ता ढूंढ रहा हूँ ठीक है बिल्कुल नॉर्मली एकदम सरल इंसान की तरह रास्ता ढूंढ रहे। रुको ये गोल है ना। अच्छा वो अलग है। चलो 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 अलग खड्डा। अरे यार क्या काटा बे कुछ नहीं है उधर कट गया। यार मुझे लगा डिफिकल्ट रहेगा यार ये तो बहुत इजी है हट इससे अच्छा मैं कैंडी क्रश खेल लेता। छी बड़ी टट्टी सी भूल भुलैया यार कुछ है ही नहीं। देखो पूरा दिख रहा है अंदर क्या है। ओ देखो कैंसर। भाई ये तो ऑगी लग रहा है मेरे को कोई बताओ ये ऑगी नहीं है। तो इसके अंदर एक पुतला है जो तुम अगर सामने जाओगे तो उड़ी मार के बाहर आएगा और तुमको डराएगा। ये डरा ना रे ये डरा डरने का मेरे को डरा ना रे ये ओ आंटी डराओ ना। थैंक यू हो गया तेरा अभी जाकू खा ले चल निकल। भाई ने बोला डराने का मतलब डराने का सोचने का नहीं दो बार। तो अभी हम लोग एक और किला चढ़ेगा। भाई ये देख कैसे लग नहीं रहे वो तो ना बच्चे लोग उड़ी मारते जो ऐसे वो गुब्बारे वाले। पत्थर का है फॉल बैक ये नहीं करना पत्थर का हाथ टूट जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ आईने लगे हैं जिसमें आप हाँ
बहुत सुंदर लग रहा हूँ। ये गली के ऊपर जाके मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, वो था ना ये राजू 10 नंबर फेंकना नीचे, वैसा ना छोटू 10 नंबर फेंक, ऐसा फीलिंग आ रहा है। वो देखो वो औरत अभी तक बच्चे डरा रही उधर, और यहाँ से मुझे लग रहा है तुमको पूरा इलाके का एक मस्त नज़ारा दिखने वाला है। अगर कुछ ये गुफा के अंदर ऐसा सुनेला सुनेला लग रहा है, कोई ड्रैगन रहता है। हाँ वो देखो गोबर, वो देखो, वो दिखा, हाँ वो देखो, हाँ चल चल बाप को ड्रामा था, निकल। तो वो रहा डिज्नी किला, अभी वो किले से अपन लोग बाहर आए ला, अभी पूरा गांव रास्ते पर ऐसा भिखारी की तरह लाइन लगाए खड़ा है, क्योंकि इधर से अभी जाने वाला है एक परेड, पता नहीं क्या होएगा, पर जब इतना पब्लिक लाइन लगा है मतलब कुछ अच्छा ही होएगा, तो अपन भी आके रुक गया, देखता क्या होता। पब्लिक खड़े खड़े परेशान हो गई, तो लास्ट में कतई भिखारी की तरह बैठी गई नीचे। परेड के नाम पे गाना बजा जा रहा है, कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या चल रहा है। तो ये क्रिसमस वाला सब कुछ खत्म करके अभी अपन लोग जा रहे हैं दुबई में। मतलब मेरा लगा रहता ना, मतलब मैं पेरिस आएगा तो पेरिस के बाद मेरे को डेजर्ट में जाने का ही चाहिए। चलो देखते इधर क्या है। ओ भाई ये तो टूम रेडर है। अलादीन नहीं, वो पिक्चर वाला अलादीन नहीं, ये वाला है जीनी बाहर। अब तो अगर मैं इसको रगड़ू तो जीनी बाहर आएगा। पोको टीवी, पोको टीवी अलर्ट। बताओ जितना चाहिए मजाक मस्ती कर लो, पर ये जगह पे आके ये सब चीजों को देख के, डिज्नीलैंड में आके चीजें देख के, मैं वो बचपन की जो होती ना याद है, एकदम बचपन वाली वापस आ जाती है। ये बहुत ही गलत लग रहा है जो भी कर रहा है ये भाई, मत कर, सुधर जा भाई, समय है, सुधर जा अभी भी। अरे 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 पीढ़ी है, भागो 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 भागो। अभी हम लोग इधर चढ़ने वाला है ये झाड़ के ऊपर। हाँ भाई अपने शौक होते, मेरे को झाड़ पे चढ़ने का मेरा शौक है, ठीक है चलो चढ़ते। तो ये जो लिखेला इसका मतलब है एकदम धरती के अंदर, तो चलो मैं आज धरती के अंदर जाएगा, आज तुम्हारा भाई धरती के अंदर जाएगा। ये बहुत अंधेरा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत अंधेरा है। फ्लैश चालू कैसा होता है, फ्लैश चालू करेगा मैं, हाँ बहुत हार्ड ऐसा फ्लैश चलाए घूमेगा बंदा। इधर क्या है, ऐसा लग नहीं रहा है भूत पकड़ने आते ना, ऐसा भूत प्रेत पकड़ने वो एक्सप्लोर करते हैं, वैसा लग नहीं रहा है फ्लैश चला के, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ पूरा अंदर। अरे मालशेज घाट, जमीन के अंदर खड्डा देख के आया है, और अभी तुम्हारा भाई झाड़ पे चढ़ेगा, चल रहे झाड़ पे चढ़ते। झरना बिरना मस्त बह रहा है, पर अपने को घंटा फर्क पड़ता है, अपने को चढ़ने का है झाड़ पे। बचपन से शौक थे बंदर बनने के, आज झाड़ पे चढ़ के शौक पूरे करेगा मैं। वो दिख रहा झाड़ है, उसके ऊपर चढ़ेगा एकदम मस्त वाला मैं। झाड़ पे चढ़ना शुरू नहीं किया, खड्डा दिख गया पहले से, और भाई आखिरकार अपन झाड़ के ऊपर चढ़ गए, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है क्या मालूम, अभी अपन लोग अंदर जा रहे हैं डेविड जोन्स भाई का खजाना देखने को। अरे यार हर जगह भूल भुलैया बना के रखा है इन लोगों ने, कप्तान दैवी प्रसाद जोन्स का छुपेला खजाना। यार मेरे को इस जहाज पे जाने का है, पर सालों ने ऐसा बंद करके रखा है इसको। मेरा पूरा मन कर रहा है कि ना ऐसा मैं हुक भी खोलूं और सीधा घुस जाओ। देख ऐसे ही पायरेट शिप ही है इधर, ऐसे ही चलता है ये धंधे में, ऐसे ही काम होता है। ठीक है खोल के तोड़ के काट के घुस जाते लोग अंदर। अब आएगा ना मजा, पर टकले में क्या पहन के घूम रहा, हटना सामने से मेरे। तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के नाम पे अपन लोग अंदर तो आ गया, ऐसा लगा दादर स्टेशन में है, करजत फास्ट लोकल आ रहा है। भाई यार मैं जहाज देखने आया था, किधर घुसा दिया मेरे को, ये कहां ले जा रहा है अंधेरे में। गलती से कोई भूत मेरे सामने आया ना, मैं खेत के चमाट मार देगा उसको, बता रहा हूँ।
जैक दादा को देखने के बाद अभी अपन लोग जा रहे हैं एरियल दीदी से मिलने। फॉल बैक टीम बहुत गर्दी है, नहीं जाने का, कैंसल कैंसल भागो बाहर। ये लोग यूजुअली मीट एंड ग्रीट विद मिकी माउस या कोई भी कैरेक्टर बोल के रैंडम बंदे बिठा देते हैं, पर अगर मुझे दिखा इधर कहीं एवेंजर्स का जगह है और वहां पे ऐसा बोला मीट एंड ग्रीट विद आयरन मैन, तो रॉबर्ट डाउनी के नीचे जो भी आया ना उसको मैं भर के डाउनी कर देगा। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि इधर एवेंजर्स है कि खरीद तो तुमने लिया मार्वल को, पर रखा किधर है मार्वल को? आप आए हैं डिस्कवरी लैंड में। अरे यार गोट्या यार, तू इंग्लिश सीख ले थोड़ा सा यार, क्या होगा तेरा। अगला हम लोग जा रहे हैं स्टार टूर्स पे, तो किसी ने मुझे बताया कि ये जो है ना ये भी एक राइड है, और बाहर से देख के मेरी फट रही तो हम देखने नहीं वाले उस तरफ, चुपचाप इसमें चल, ये पता नहीं कुछ तो भी है स्टार वॉर्स वाला कुछ तो सीन है, जाके देखते क्या सीन है। कोनोचिबा मजे करो मिलते, चलो रे भाई। दोनों गन लेके मैंने अकेला चलाया, क्या पॉइंट मारा भाई, मजा आ गया। तो अभी मैं मेरे जिंदगी के पहले रोलर कोस्टर में बैठा हूँ, पहली बार जिंदगी में ऐसा आड़ा टेढ़ा घूमेला है। अभी उसमें ना ऐसा रिकॉर्डिंग करना बंद था, मतलब तू ऐसा फेस कैम बेस कैम लगा नहीं सकते हो, पर अगर मैं उसको रिकॉर्ड करता तो भाई कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, पूरा यूट्यूब, हिंदुस्तानी भाऊ, पूरा दुनिया मिलकर जितना गाली देता है ना उतना गाली कम पड़ जाएगा जितना मैंने दिया है। माँ कसम भाई, क्या उल्टा उल्टा होता है, एक तो स्पीड लेता है फिर उल्टा होता है। छोड़ो, जो भी था बहुत भारी था, फिर से कभी नहीं जाएगा। तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, ये तुमको ऊपर दिख रहा है, तुमको वो दिख रहा है गोल गोल, हाँ उधर ना भेंडी पहला वो खंबा दिख रहा है वो पाइप, हाँ साला वो पाइप में ऐसा ऊपर जाता है फिर उल्टा नीचे गिरता है फिर ऐसा गोल गोल आड़ा टेढ़ा किधर किधर घुमा के निकालता, मेरे को समझा भी नहीं भाई क्या हो गया। मैं बाहर से देखा ऐसा मस्त वाला किला बनाया उसके अंदर, मैं बोला क्या रहेगा ऐसा आड़ा टेढ़ा, ऐसी एक एक ऐसा चक्कर घुमाएगा राउंड राउंड, अरे इसकी माँ का घुमाया, गोल गोल उल्टा किया, सीधा किया, पलटी गया, भाई तेरी इंसान है भाई, मशीन मच्छर समझेगा जो जिसकी मर्जी धर के उल्टा कर सीधा कर दिया, नहीं जा रहा कभी जिंदगी में उस समय। अब चलो फटाके देखने। देखो गाइस, मैंने मेरे जीवन में ना बहुत कुछ देखा है, पर वो तुमको दिख रहा है पिंक कपड़े में लड़की जो खड़ी है ना बंदी, वो पिंक कपड़े में बच्ची जो खड़ी है ना, उसकी माँ ने उसको एक पट्टा लगा के रखा है और वो जहाँ भग रही है पट्टे से खींच रही है उसको। भाई बच्चा है कि कुत्ता है तुम्हारा, ऐसे क्या ऐसे कौन करता है, ये पहली बार लाइफ में देखो पट्टा बांध के रखा बच्चे को।
सो एनीवे गाइस दैट इज इट फॉर द व्लॉग। आई होप सभी को आज का व्लॉग देखकर मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।